पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपके पेटीएम की केवाईसी होना जरूरी है। केवाईसी होने के बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होगा, अकाउंट होल्डर नेम चाहिए होगा और आईएफएससी कोड चाहिए होगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेटीएम ऐप पर आना है। यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपको उसके ऊपर नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखेगा ट्रांसफर टू बैंक, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन रहेगा। आपने अमाउंट डाल देनी है, कितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, वो डालने के बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन रहेगा, यानी कि एड न्यू का ऑप्शन रहेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन रहेगा अकाउंट का ऑप्शन, अकाउंट नंबर डालने का। उसके बाद नीचे ऑप्शन रहेगा आपको आईएफएससी कोड का, उसके नीचे आपको ऑप्शन रहेगा नेम, अकाउंट होल्डर नेम। आपने सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, आईएफएससी कोड डाल देना है। अगर आपके पास आईएफएससी कोड नहीं है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आईएफएससी कोड बता दूंगा। उसके साथ सबसे नीचे आपको डालना है अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि जिसका बैंक अकाउंट नंबर है उसी का ही नाम आपको डालना होगा। नाम डालने के बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपने बैंक पर क्लिक कर देना है जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके अकाउंट में जो भी आपने अकाउंट नंबर डाला है उसमें पैसे पहुंच जाएंगे। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।